नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पारमिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि शनिदेव धनवान कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शनिदेव न्याय करते हैं और शनिदेव कर्म के फल के दाता है, तो इसका हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक रोचक जानकारी मिलने वाली है। इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर जरूर करें। सबसे पहले अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। हमारी ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले एक एक घटना के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, हम किसी बात को कितने गहरे विचारों में सोचते हैं उसके बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंध के बारे में बताती है, हमारे नजदीकियों के बारे में बताती है। जब शनि देव कहते हैं ना, न्याय के देवता है। अब हाथ में अगर हम शनि का देखें निशान, तो ये हमारा जो गुरु का पर्वत है और ये सन का पर्वत है। अगर इसको हम हाथ की उंगलियों में ऐसी देखें तो यहाँ पे जो हमें देखें कि थोड़ा सा शनि का पर्वत दबा है, बहुत ज्यादा अगर दबा होगा तो ये शनि का जो है ना, ये खराब की स्थिति बताती है। ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष अवश्य रहेगा, कितना भी वो काम किसी भी काम में हाथ डाले वो डिले जरूर करेगा। अगर ये शनि का पर्वत उठा है, अगर हाथ में देखें ये उठा है, मीडियम का है, तो ऐसी अवस्था में जो शनि देव होते हैं वो अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं, और ऐसे लोगों को जीवन में देखो धन की बड़ी अधिक मात्रा में फल देने का काम करते हैं। और शनिदेव जब भी देते हैं कि न्याय के प्रक्रिया से देखते हैं, क्योंकि शनिदेव का कर्म का जहां पे दंड देने का न्याय करने का इनको सौभाग्य प्राप्त है, वहीं पे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने का भी इनका बड़ा रोल माना जाता है। कि कहते हैं कि शनिदेव न्याय करते हैं, तो शनिदेव सच में न्याय करते हैं, लेकिन अगर ये आप न्याय की प्रक्रिया से चले, न्याय करके चले, तो शनिदेव आपको मालामाल भी बना देते हैं। तो जैसे देखिए आपके भाग रेखा की लकीर शनि के बोर्ड पर पहुंच जाए, ऐसे लोगों का भाग्य जो है ना बड़ा प्रबल माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी धन अर्जित करते हैं या कमाते हैं तो अपने भाग्य के बदौलत, अपने कर्म के बदौलत और अपनी खुद की मेहनत के दम पर यहां पर पहुंचते हैं। और शनिदेव को न्याय भी मिला है, न्याय करने का मिला है, तो शनिदेव न्याय करते हैं। अगर ये एक सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा लंबी हो, अगर शनि के साथ भी मिल जाती है और शनि के यहां पर एक त्रिकोण सी स्त्री ऐसी बन जाती, त्रिशूल सी बन जाती है, त्रिशूल हाथ में बड़ा शुभ माना जाता है। और ऐसे लोगों के लाइफ में अगर देखें तो बहुत अपार सफलता मिलती है। जीवन में ऐसे लोगों को देखें तो बड़ी अपार सफलता मिलती है। कहते हैं ऐसे लोगों को भगवान शिव की प्राप्ति, अगर शिव का पूजा पाठ करके ऐसे लोग देखें तो जीवन में काफी सुख समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं, और इनको कई स्रोतों से आगमन बनता है। पैसे का जो जरिया होता है ना, पैसे कमाने का, वो कई स्रोतों से बनता है। और शनिदेव के जो इष्ट देव भगवान शिव हैं, अगर उनकी पूजा करते हैं तो जीवन में सारे दुखों को दूर भी करते हैं और जीवन में उन्नति और प्रगति के रास्ते खोल देते हैं। और इसी शनि के क्षेत्र में जब भी ये शनि की रेखा शनि के क्षेत्र पे जाए और यहाँ पे एक सूर्य रेखा सन से निकल कर लंबी हो, तो ऐसे लोग न्यायाधीश का काम करते हैं। आप देखें ऐसे लोग इनके पास इतनी पावर होते है, किसी को दंड देने का अधिकार होता है। दंड देने का जो न्यायिक न्यायाधीश होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि गलत और सच को देख लेना। तो ऐसे लोग न्यायाधीश के पद पर आसीन होते हैं, न्याय करते हैं और सच्चे रास्ता पे चलते हैं, तो उनको परमात्मा की विशेष कृपा होती है, शनि की कृपा होती है। कई लोग
जैसे कि एडवोकेट का काम करते हैं, तो उनका मरकरी का माउंट बड़ा अच्छा होगा या मरकरी की फिंगर अच्छी होगी, मरकरी के बने हुए पर्वत के ऊपर कुछ शुभ साइन होते हैं जो बोलने में एक्टिवेट कर देते हैं, बोलने की कला सिखा देती है। लेकिन न्याय की कला जो शनिदेव के पास है और इसी के ऊपर देखते हैं कुछ शुभ चिन्ह होते हैं। और ये शनिदेव अगर फ्लैट हो, फ्लैट का मतलब समानता बराबर हो, ये शनि का क्षेत्र है, अगर ये फ्लैट होता है तो ऐसे लोग न्यायवादी होते हैं। आप कहीं देखें न्याय करने वालों के हाथों में जो शनि फ्लैट होता है वो बड़े किसी का भी हो न्याय करने में वो संकोच नहीं करते, वो निडर होते हैं और सही डिसीजन देते हैं, किसी का हो, अपना हो या बेगाना हो, उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन न्याय करने की प्रक्रिया उनके हाथों में होती है और न्याय करते हैं। इसी प्रकार अगर यहां पर हम एक यहां पर देख ले स्टार बनाओ, स्टार का मतलब होता है अधिक ऊर्जा देना। अगर ये शनि की फिंगर बिल्कुल सीधी है, किसी की तरफ मुड़ी नहीं है, तो न्याय करते जरूर है। लेकिन स्टार होता है तो स्टार का मतलब होता है जीवन में अधिक धन की बढ़ोतरी करना। एक वक्त आता है इंसान के जीवन में, उसका जीवन जो होता है गुलाबी हो जाता है, पैसों से कह लो जो ग्रोथ ऑफ इनकम होती है बहुत हाई लेवल तक जाती है। लेकिन शनिदेव तब भी यहां पे यही कहते हैं कि न्याय के रास्ते से चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और ये उसके जीवन में इतने पैसे काने का स्रोत बनता है कि जीवन में वो इंसान अगर सही रास्ते पे सही बे पे चलता है तो उसको माला माल करते हैं और ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। लेकिन गलत बे में गलत रास्ते में जाएगा तो शनिदेव को पास न्याय करने की प्रक्रिया है, दंड देने की प्रक्रिया है, और शनिदेव ऐसे पटकते हैं कि दोबारा खड़ा होने का नाम नहीं लेने देते। तो इसी तरह से एक साइन और देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम देखेंगे शनिदेव के एरिया में देखेंगे, शनिदेव का काम न्याय करना है। शनिदेव का देखें आप जीवन में अगर यहां पर एक फिश साइन बन जाए, ये फिश साइन बन जाए, फिश साइन का मतलब ऐसे लोग देखें तो इंट्यूशन पावर, सुपर नेचुरल पावर इसको हम बोलते हैं कि अगर शनि के माउंट पे है, ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तो होता है लेकिन इनको सुपर नेचुरल पावर का मतलब यहां पे आने वाली घटनाओं को ये पिक्चर की तरफ देखते हैं, एक आने वाली घटनाओं को आइडिया लगा लेते हैं। और कहते हैं ना कि कई लोग मुंह से जो बोलते हैं वो सच होता है, तो अगर शनि के माउंट पे यहाँ पे फिश साइन बनती है तो ऐसे लोग जो बोलते हैं वो 100% सच हो जाता है। और ऐसे लोगों को कहते हैं कि भविष्यवाणियां कर देना, आने वाले घटनाओं के बारे में समझ जाना, किसी के बारे में कैलकुलेशन करना, तो ऐसे लोग अपने ध्यान के माध्यम से कह लो कि परमात्मा की विशेष शक्तियां होती है, शनिदेव की एक विशेष कृपा होती है, किसी के बारे में कैलकुलेशन कर देना, किसी के बारे में उसकी बातों को बता देना, तो ये सुपर नेचुरल पावर का काम करती है। और ये रही दोस्तों आज की वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।